जल से है संस्कृति और संस्कृति से विकास। हजीरा घोगा रोपेक्स फेरी बदलेगी इतिहास। गुजरात में सूरत और सौराष्ट्र के संबंध काफी सालों से घनिष्ठ है। सौराष्ट्र के करीब 20 लाख लोगों ने अपने घर जमीन परिवार से दूर रहकर सूरत में अपनी व्यावसायिक प्रगति की खोज की है। इसी खोज में वतन से दूरी कम ना हो, इसलिए हमारे देश के विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन की बदौलत अब सौराष्ट्र और सूरत जुड़ने जा रहे हैं जल मार्ग से, रोपेक्स फेरी सर्विस से। ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल को छुआ हुआ है। भाइयों और बहनों, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के बीच 5000 से ज्यादा गाड़ियां हर रोज इन दो क्षेत्रों को कनेक्ट करने के लिए सड़कों पर दौड़ती है। यही कनेक्टिविटी सड़क के बजाय समंदर से होगी। रोपेक्स यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ शिपिंग, यह ऐसी शिपिंग फैसिलिटी है जो पहिए वाले वाहनों को जहाज के जरिए लाने ले जाने का कार्य करती है। सूरत का हजीरा बंदर और सौराष्ट्र का घोघा बंदर अब जुड़ेगा रोपेक्स फेरी सर्विस से, जिससे 370 किलोमीटर और 10 से 12 घंटे का सफर अब आपके अपने व्हीकल से ही तय होगा सिर्फ 4 घंटों में। सूरत और सौराष्ट्र के बीच एक साल में अंदाजन 18 लाख से ज्यादा बस और ट्रक का आवागमन होता है, और अब रोपेक्स फेरी के आ जाने से प्रति वर्ष तकरीबन 5 लाख पैसेंजर्स, 80,000 पैसेंजर व्हीकल्स, 50,000 टू व्हीलर्स और 30,000 ट्रक का आवागमन हो पाएगा, और प्रतिदिन 3 ट्रिप के जरिए देश का करीब 33 लाख लीटर तक फ्यूल बच पाएगा। और इसी के साथ इस फेरी सर्विस से सौराष्ट्र के समुद्री तट के व्यापार उद्योग जैसे कि री रोलिंग मिल, सीमेंट उद्योग, लोह उद्योग, शिप रिसाइकलिंग एवं फूड प्रोसेसिंग जैसे व्यापार के रो और फिनिश्ड मार्केट का लॉजिस्टिक खर्च कम होगा, जिसके कारण व्यापार को मिलेगी एक नई उड़ान। दोनों क्षेत्रों का अंतर घटेगा और विकास बढ़ेगा। सौराष्ट्र के समुद्र तट के व्यवसाय का लाभ मिलेगा सूरत को, और सूरत एवं मुंबई जैसे महानगर जुड़ेंगे सौराष्ट्र से, जिससे बढ़ेंगे रोजगार के नए अवसर। सूरत में स्थित सौराष्ट्र के लोगों की दुआएं देगी एक नए भारत को आकार। आ सुरती लाला ने छोकराओनो जन्म दिवस मनावो होय तो हवे आ फेरी सर्विसो बुक कराविने जन्म दिवस पण त्यां समुद्र ने बच्चे जेने उजवी शकाय। सूरत और सौराष्ट्र को जोड़ता यह मिलन सागर से पहियों का है। यह मिलन राष्ट्र विकास की साक्षी ऐसी आने वाली सदियों का है।